हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग कवर कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक को। किसको कवर कर रहे थे? एनसीईआरटी की जो बुक है, और एनसीईआरटी में हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों जियोग्राफी को, यानी भूगोल को हम लोग कवर कर रहे थे। और हम लोग क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी के ऊपर। इसके पहले क्लास सिक्स के एनसीईआरटी हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिख कर ख़त्म कर दिया, और सेवन्थ की एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 8 है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि कुल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो आज आठवां चैप्टर आप पढ़ रहे हो, और हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कवर कर लेते हैं। जो लोग भी नए हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के बाद ही आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, रस नहीं है, तो ये सब सुनने का यार टाइम नहीं है मेरे पास। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है दोस्तों, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। किसके बारे में बात आज हम लोग करेंगे? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एक क्लास की बात हो रही है, उस क्लास में एक बच्ची थी जिसका नाम है रेणुका, ठीक है। रेणुका बहुत उत्साहित थी, उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। वन्य जीव फोटोग्राफर मतलब कि जंगलों में घूमकर जो लोग फोटोग्राफी करते हैं ना, वो, ठीक है, तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी ही उम्र से रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। जब वो उन किताबों में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों को देखती थी, और जब उनके वेशभूषा को देखती थी, उनके चेहरे के आकार को देखती थी, उनके रहन सहन के स्तर को देखती थी, तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य लगता था। आश्चर्य के साथ साथ वो उन लोगों से आकर्षित भी होती थी। तो ये जो सैम्पल आप देख रहे हो, फिगर देख रहे हो जो आप, ठीक है, इसमें जो है विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों की तस्वीरें दी गई हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे सब मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। उसके चाचा ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो हमारे समान हैं। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, इसलिए बचपन से ही जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो वे प्रकृति को समझ जाते हैं, प्रकृति को देखभाल करना सीख जाते हैं, और धीरे धीरे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्रित करना, ये सारी चीज़ें उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में आ जाती है, तो वे सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये कहानी जो दिया है एनसीईआरटी में, ये आपको एक भूमिका तैयार कर रहा है। एक्चुअली पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लगन, और लगन कैसे बनेगा? आपकी एक जो सीखने की इच्छा होगी वो कैसे आएगा? तो जब आप एक आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि यार, कि इतना बड़ा विश्व है, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अगर हम छोटे से देश अपने भारत की बात कर लें, तो मान लो आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस आसपास के क्षेत्र के हो। अगर आप राजस्थान साइड चले जाओगे तो वहाँ का कल्चर आपको अलग मिलेगा, वहाँ के लोग अपने सर पे पगड़ी बांधे मिलेंगे, तो उसमें कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। वहाँ की जलवायु की वजह से लोगों का रहन सहन वैसा हो गया, लोग सूती कपड़े में ज़्यादा मिलते हैं, लोग खुले कपड़े पहनते हैं, लाइक धोती कुर्ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्मी में जींस पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सोचो, ध्यान से सोचो कि पहनावा जलवायु पर कितना निर्भर करता है। आदमी की दिनचर्या, आदमी की वेशभूषा, सब कुछ जलवायु पर निर्भर है दोस्तों। वे सर पर पगड़ी इसलिए नहीं डालते हैं कि थोड़ा सा देखने में स्टाइलिश लगे, उनको शौक नहीं है। वे सर पर पगड़ी इसलिए बांधते हैं क्योंकि सूर्य की जो धूप है वो रेगिस्तान में ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होता, तो सर पर धूप न लगे इसकी वजह से पगड़ी बांधते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आप देश के विभिन्न भागों में चले जाओ, अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। कई बार तो धार्मिक वजहों से लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है, कई बार जो है वहाँ की सामाजिक स्थितियों की वजह से परिवर्तन देखने को मिलता है, और कई बार जलवायु, मौसम, ठीक है, दिनचर्या, इन सारे चीज़ों की वजह से लोगों की वेशभूषा, बोली, उनके तौर तरीके सब में एक हम अलगाव पाते हैं। लेकिन फिर भी धरती पर जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, मनुष्य तो मनुष्य हैं। उनकी आवश्यकताएं हमारे आप जैसी हैं, उनको भी भूख लगता है, प्यास लगता है, सारी चीज़ें हमारे आप जैसी है। चाहे भूमध्य सागर के आसपास के रहने वाले लोगों की बात कर लें,
या अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोगों की बात कर लें, या ब्राज़ील के जंगलों में लोगों की रहने की बात कर लें, या फिर अमेजन नदी घाटी में रहने वाले लोगों की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लो, कोरिया की बात कर लो, जापानीज लोगों की बात कर लो, रशियन की बात कर लो, किसी की भी बात लो, या फिर अरेबियन कंट्री की बात कर लो, हर जगह आपको अच्छा अलग अलग जगह के लोगों का चेहरे का बनावट भी अलग अलग होता है, वो वहाँ की प्रकृति के अनुकूल होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिए। क्या आप जानते हैं, अच्छा ये छोटा सा एक आपको कहानी दे रहा है उसके बारे में सुनिए, क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच जिसको हेडगियर बोलते हैं एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के याद दिला दिया। तो अमेजोन्स, अमेजोन इंग्लिश में जो अमेजोन वर्ड होता है दोस्तों, अमेजोन जो होता है ऐसी महिलाओं के लिए अमेजोन वर्ड यूज किया जाता है, जैसे जो बाहरी कार्य देखती हैं, ठीक है, जो समाज से बाहर निकलकर प्रदा प्रथा को त्याग करके जो सामाजिक कार्यों में लिप्त होती हैं, ठीक है, और जो व्यापार करें, बिजनेस करें, ठीक है, और कहीं पे आना जाना, घूमना टहलना, इस तरह की जो औरतें होती हैं उनको इंग्लिश में हम लोग अमेजन बोलते हैं। और बहुत सदियों पुराने वर्ष की बात करना, मतलब बहुत समय पहले की बात कर लें तो रोमन साम्राज्य में अमेजोन्स नामक महिला योद्धा हुआ करती थी, वो एक आक्रामक समूह थी। तो उनकी याद आ गई स्पेन वासियों को जब वो कहाँ गए थे, ब्राज़ील के आसपास के क्षेत्रों में इस नदी घाटी की खोज कर रहे थे, और तभी से उस नदी का नाम क्या पड़ गया, अमेजन पड़ गया। क्या पड़ गया? अमेजन पड़ गया। तो अमेजन नदी, आज हम उसी अमेजन बेसिन के बारे में बात करने वाले हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनके दिनचर्या को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और बहुत कुछ सीख मिलेगा, बहुत दमदार चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले सबसे पहले मानचित्र को देख लीजिए और ध्यान दीजिए कि अमेजन बेसिन का जो लोकेशन है वो हमारे मैप पर कहाँ है, ठीक है। तो याद रखिए अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब 23 डिग्री उत्तरी में, और मकर रेखा मतलब 23 मतलब 23.5, एकदम एग्जैक्ट मत पड़ जाए कि पीछे, ठीक है, ये नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री क्या है साउथ में, ठीक है। तो इसके मध्य जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश स्थित होता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, खाली 10 डिग्री की बात करना, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की अगर हम बात कर लें तो उस भाग को भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखी। अगर 23.5 तक चले जाओगे तो वह उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है, लेकिन आप खाली 10 डिग्री ऊपर जाओ, 10 डिग्री नीचे आओ तो उसको भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी 10 डिग्री वाले पेटी पर स्थित है होकर और अनेक प्रदेशों से होती हुई बहती है। ध्यान दीजिए कि पश्चिम में पर्वतों से निकल करके, किस दिशा में निकल रही है, पश्चिम की तरफ से पर्वतों से निकली हुई है, और पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है, अंध महासागर मतलब अटलांटिक में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक में, ठीक है, अटलांटिक यहाँ से कर लीजिए, अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मान लो कोई प्लेस है, मान लो क्या है, कोई प्लेस है, मान लो ये कोई जगह एक नदी बहती हुई आ रही, ये कोई जगह है, और यहाँ पर उससे कोई अन्य नदी आके मिल गया, मान लो गंगा बहती चली आ रही थी, रास्ते में उसको यमुना मिल गया, तो जैसे हम इसको संगम बोलते हैं ना, एक्चुअली में उसी को हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। नहीं, इसको मुहाना नहीं बोल सकते, ये तो आपका सहायक नदियाँ आके मिल गई, इसको संगम ही बोलो गया। मुहाना मीन्स होता है दोस्तों किसी बड़ी जलराशि में मिलना, ठीक है, अन्य की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, किसी बड़ी जलराशि में मिलना। जैसे ये गंगा नदी बहते बहते गई और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई, तो बंगाल की खाड़ी का जल जो इससे टच में हुआ ना, तो ये जो होता है मुहाना होता है। क्या होता है? मुहाना होता है, ठीक है। तो गलती से हो गया था, वो संगम को मुहाना मत समझ लीजिएगा, ठीक है, मुझको भी लगा यार कि यहाँ क्या है, यहाँ विशेष होता या बड़ा जलराशि होता तो सही रहता। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं जिससे कि अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के भागों में, और बोलिविया देश है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इन सभी देशों के छोटे भाग से अपवाहित होती चली जाती है और यहीं से आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है। देखिए आपके सामने मैप दे रहा है, ये मैप जो है ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मैप है, और ये आप सामने जो देख पा रहे हैं ये अमेजन नदी बेसिन है। और मैंने आपको क्या बताया कि अमेजन नदी जो बेसिन है ये 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण तक बहेगा, तो ये 0 डिग्री जा रही है, देख रहे हैं आप, 0 डिग्री गई है, और यहाँ से 10 डिग्री ऊपर ये, और ये 10 डिग्री यहाँ तक, तो ये आप देख पा रहे हो कि ज़्यादातर नदी जो है, पूरा बेसिन क्षेत्र जो है ये आपका इस लोकेशन में है, ठीक है।
इस लोकेशन में है। तो ये आप याद रखिए, अमेजन नदी बेसिन है और इधर पश्चिम, देखो ये पश्चिम इधर से निकल कर ये सारी नदियों को लेते हुए इधर जाके अटलांटिक में गिर जाती है। दोस्तों कुछ देश हैं यहाँ पे जिसका नाम आप याद कर लो, जैसे ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये पूरा ब्राज़ील है। ये क्या है? ये आपका ब्राज़ील पड़ता है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ब्राज़ील के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे सूरीनाम वगैरह मिलते हैं, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। देखो गुयाना यहाँ पे, फ्रेंच गुयाना यहाँ पे, बीच में इसके सूरीनाम है, पहले गुयाना फिर फ्रेंच गुयाना, ठीक है, ये FG लिख दे रहा हूँ, और बीच में क्या हो गया, सूरीनाम हो गया। ये आपका वेनेजुएला है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। उसके बगल में कोलंबिया देश है, कोलंबिया, यहीं पे पनामा नहर के माध्यम से जो है उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एरिया इक्वेडोर है, ठीक है। ये आपका उसके नीचे आ जाओगे पेरू है, उसके नीचे बोलबिया है, तो बोलबिया से सीधे ऊपर जाओगे तो कोलंबिया, बोलबिया कोलंबिया, ठीक है। और कोलंबिया जस्ट बगल में क्या देखोगे, इक्वेडोर और पेरू। नीचे आओगे तो पराग्वे, उरुग्वे लाइन से, यहाँ देखो पराग्वे हैं, ये उरुग्वे हैं, ये बड़ा वाला अर्जेंटीना और ये चिली है, और यहीं पर आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, ओके। तो ये आप याद रखो। तो ये हम जो देख रहे हैं आज अमेजन बेसिन के बारे में, ये ज़्यादातर इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी तक जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं उसमें। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों में मिलती हैं, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है अथवा उसका बेसिन अथवा उसका जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिन। जहाँ एकाक नदी मिलती है उसको बेसिन नहीं बोलते, और अमेजन नदी इसी वजह से विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, या अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी अमेजन हो गई। क्या हो गई? अमेजन हो गई। अपवाह बोले या नदी बेसिन के मामले में बोले तो अमेजन का जो है वो पहला स्थान, ओके। चलो अब इसी के साथ दोस्तों हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में फैला, अभी पीछे ये तो हम पढ़ रहे थे, और पूरे वर्ष, अच्छा मैंने एक चीज़ और आपको सिखाया था कि जो भूमध्य रेखा पेटी है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश 12 महीने बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो वहाँ का मौसम कैसा होगा? गर्म होगा। और जलवायु कैसी होगी? तो नौ होगी, मतलब आर्द्रता विद्यमान होगी जलवायु में, मौसम में आर्द्रता विद्यमान होगी, ठीक है। आर्द्रता जब विद्यमान होता है तो पता है आपको चिपचिपाहट होता है, घर में लेकर के आपके पूरे शरीर में अजीब सा पसीना होता रहता है हमेशा, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी गर्मी होता है, उमस होता है, उमस, उमस जिसको हम लोग बोलते हैं वही आर्द्रता है। उमस जो होती है उसी को हम क्या समझ रहे हैं, जो उमस होता है वही हमारे लिए आर्द्रता है, ठीक है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र बना रहता है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती रहती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी का। अभी धूप है, 5 मिनट के अंदर आपने देखा बारिश होने लगी, फिर धूप आ गया, फिर बारिश होने लगी, तो बिना चेतावनी के खूब बारिश होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता भी अति उच्च होती है। रात के समय में तापमान थोड़ा सा तो गिरता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है, क्योंकि फिर अगले दिन से बारिश होना है। तो उमस, बारिश के सीजन में क्या मौसम है, उमस बना रहता ना, वो चीज़ें होती हैं। तो अब इसी के साथ आइए वर्षावन को समझते हैं। इसलिए इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। भाई पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश और क्या मिल जाए, और उनको वर्षा मिल जाए तो खूब पनपेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन मतलब यहाँ पर सदा बहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन? सदा बहार वन। जिस पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती है, एक साथ अपना पत्तियाँ नहीं झाड़ती हैं किसी मौसम में, धीरे धीरे उसमें पत्तियाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, सदा बहार वन, ठीक है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत बन जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। मतलब इतना प्रकाश, ठीक है, मतलब इतना धूप होने के बावजूद भी जो धूप है वो नीचे धरातल पे नहीं आ पा रहा है, और यहाँ की भूमि पर प्रकाश रहित एवं नम बना रहता है, ठीक है। और इस भूमि में केवल वही वनस्पति पनप सकता है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो नीचे क्या होता है, ढेर सारे छोटे 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 वनस्पतियाँ फैल जाते हैं, जो परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड होता है, परजीवी पौधा वो फैल जाता है, जैसे आर्किड हो गया, ब्रोमिलाइड हो गया। तो नाम याद रखिए, आर्किड पौधा, ब्रोमिलाइड, ठीक है, ये सब परजीवी के रूप में यहाँ फैले होते हैं। कुछ सीन दिखा रहा है आपको, ये अमेजन वन का सीन है। क्या हो गया, इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? ये अमेजन वन का सीन है,
ठीक है। तो आर्किड और ब्रोमिलाइड का नाम दोस्तों याद रखिए, यही सब आपको सीखना होता है। जब आप पढ़ा करो ना तो स्टॉप करके इसको सर्च कर लिया करो नेट पे, आर्किड हो गया, ब्रोमिलाइड हो गया, तो आपको एक बार देखने से याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्षावन में प्राणी जात की भी प्रचुरता होती है। जब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है तो अनेक तरह के पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ विद्यमान होंगे। टूकन पक्षी, ये देखिए जो आप बड़ी चोंच वाला देख रहे हैं टूकन पक्षी है, ठीक है। टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी जिसको हम हैमिंग क्या बोलते हैं, हैमिंग बर्ड, ठीक है। बाकी रंगीन पक्षी वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षियों जो कि विभिन्न प्रकार पक्षी इस तरह के माहौल में मिलते हैं, बड़ी चोंच वाले, ठीक है। वजह है, उसका भी वजह है, क्यों, क्योंकि पूरा झाड़ झंखाड़ है और उसमें किसी भी जैसे दाना अगर गिर गया है तो दाने को चुने के लिए बड़ा चोंच होना चाहिए, तो उस चोंच की वजह से यहाँ पे बड़े चोंच वाले, उस जलवायु की वजह से यहाँ बड़े चोंच वाले पक्षी देखने को मिलते हैं। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ओके। प्राणियों में बंदर हो गया, स्लाथ हो गया, चींटी खाने वाले टैपीर हो गए, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। सांप हो गया, सरीसृप हो गया, इन सब की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा मगरमच्छ हो गया, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, बुआ जैसी भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों तरह के कीड़े मकोड़े इस नदी बेसिन में निवास करते हैं, तो जैव विविधता एकदम बेहतरीन रहती है यहाँ पर, बहुत अच्छी जैव विविधता है। तो इसीलिए कहा जाता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक जो जैव विविधता देखने को मिलती है, ये पूरे के पूरे पृथ्वी पर पूरे पेटी के समान फैली हुई है, ठीक है। मांस खाने वाली पिरान्या, पिराना मछली का नाम सुना ना, मूवी बनी पिराना, ठीक है, वो सारी मछलियों की प्रजाति भी अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, बहुत सारे पाए जाते हैं। ब्रोमिलाइड जान लीजिए, ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है, संचित रखता है, स्टोर करके रखता है, पत्तियों में जल को स्टोर करता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आप देखिएगा, आप इमेज निकाल के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। और ये जो देख रहे हैं आप पीगर, ये टैपीर, टैपीर है, लोमड़ी जैसा होता है, छोटी पूँछ होती है। अब देखो वर्षावन के निवासी, अब इतने कठिन विषम परिस्थिति में वहाँ कौन जाके निवास करे, वहाँ पे कौन जाके निवास करे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो भाई जिन विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्रों में निवास करते हैं, भाई हर जगह के लिए अलग अलग मनुष्य बने हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग छोटे से छोटे क्षेत्र में वन के कुंज बिछरों को काट कर अपना भोजन और फसल उगाते हैं, भाई थोड़े से वन की सफाई कर दिए और जगह खाली हो गया, वहाँ पर क्या कर दिए, फसल उगा लिए। यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो स्पेशली शिकार पे निकल जाते हैं या मछली पकड़ने के निकल जाते हैं, जब मछली पकड़ जाती है उनको तो फिर क्या करते हैं, ले जाके उसको शहरों में बेच देते हैं। और जो महिलाएं होती हैं ये फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, अब देखो ये सब नाम याद रखो, फलों के नाम है, टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, इस तरह के जो जंगली फल हैं इसको उगाते हैं, इनको जंगली फल बोला जाता है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना निश्चित तो होता नहीं, कभी मिला कभी नहीं मिला, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं कृषि पद्धति का, दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, कर्तन मतलब काटना, समय समय पर क्या करते हैं, वे अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं, पेड़ों को काटते हैं, ज़मीन को साफ करते हैं और बचे हुए पेड़ों को क्या करते हैं, जला देते हैं, जो झाड़ झंखाड़ है उसको जला देते हैं, वहाँ पर फिर कृषि काम करते हैं। इनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, मेनियोक को क्या बोलते हैं, कसावा भी कहते हैं। जैसे हम लोग आलू खाते हैं ना, हम लोग के हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसी तरह से आलू की तरह ही होता है मेनियोक, कसावा भी बोलते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, काफ़ी हो गया, मक्का हो गया, कोको हो गया, इस ये सब जो नगदी फसल है वो भी यहाँ उगाई जाती है, ठीक है, अमेजन बेसिन में। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले छप्परों के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगा और उसका एक ही रास्ता है कि जब भी बारिश हो तो ये बारिश का पानी जो है वो स्टोर ऊपर ना हो पाए, नहीं तो पूरा का पूरा घर गिर जाएगा, क्योंकि बारिश तो रोज़ होना है। तो ऐसे में जो छत का ढलान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ताकि पानी सरक कर नीचे आ जाए। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता था और वही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में एक ट्रांस अमेजन महामार्ग बना और उसकी वजह से वर्षा वन के किसी भी भाग में जाना आसान हो गया,
अब वो असंभव नहीं है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों हेलीकॉप्टरों का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे आदमी विकास कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आधुनिकीकरण आ रहा है, शहरीकरण आ रहा है, ये जैविक विविधता वाले वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आकार देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपको इमेज दिखा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में जो वन था अमेजन बेसिन का कुछ इस तरीके से था, बाद में लोग गए वहाँ पे काटा पीटा, खेती किया, घर बना लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। और आगे देखा क्या हुआ, आगे देखिए ये कितना कम हो गया। तो इस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कर्तन एवं दहन पद्धति क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है, फिर इनको जलाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है, जिससे उनका पोषक तत्व तो मिट्टी में मिल जाता है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और फिर क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। बाद में फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर फिर से यही विधि अपनाई जाती है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष अपने आप उग जाते हैं, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। और जब लोग दूसरे जगह से लौट कर आते हैं तब तक ये वाला फिर से उपजाऊ बन जाता है, फिर से काटते हैं, फिर से जोतने बोने लगते हैं। तो ये काम जो है ये चलता रहता है। तो दोस्तों मैं कुल मिला जुला के ये आपको बताना चाह रहा हूँ, अमेजन बेसिन से जो हमें शिक्षा मिल रही है वो हमें ये मिल रही है कि आप एक क्रमिक विकास के रूप में इन चीज़ों को देखिए। जलवायु का ये जो रूप हम देखने को मिल रहा है, मान लो ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ये आपका 10 डिग्री है नॉर्थ में, ये आपका 10 डिग्री साउथ में है, और इसके बीच में ये जो प्रदेश आप देख रहे हो ये भूमध्य रेखी प्रदेश जो है यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इस तरह के वनों की बहुलता है। हमने आपसे पीछे ही बताया था और कई वीडियो में लगातार बताते आया हूँ कि सूर्य के अधिक प्रकाश पाने की वजह से यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बादल ज़्यादा बनता है, जिसके वजह से बारिश ज़्यादा होती है। अब बारिश ज़्यादा होगी तो फिर सघन वन पाए जाएंगे, जैसे कि सदाबहार वन पाए जाएंगे। जब वन इतने सघन होंगे हैं तो वनों की पत्तियां तो गिरेंगी गिरेंगी, ऐसा तो नहीं कि वही पत्तियां 100, 200 साल, 300 साल तक पड़ी रहेंगी, भाई पत्तियां टहनियां ये तो गिरती रहेंगी। तो पत्तियां टहनियां गिनकर क्या हो जाती, नीचे आ जाती। दूसरी बात दोस्तों, मान लो यहाँ पे पेड़ लगा है, ढेर सारे पेड़ हैं, अब खूब बारिश हो रहा है तो पानी यहाँ पे जल जमाव ज़्यादा होगा, सूर्य का प्रकाश आ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो पाए पेड़ों के नीचे, वनों के नीचे का जो भूमि है वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो पाए ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो या तो यहाँ दलदली जैसी भूमि होगी या कई जगह पे हम देखते हैं कि पानी भरा होता है। तो कई सारी मूवी में आप एनाकोंडा वगैरह मूवी में देखे हैं कि पानी भरा रहता है, तो वो सारा सीन आपको अमेजन नदी बेसिन के आसपास के वनों का है। वो सब चीज़ें जो दिखाते हैं ना फिल्मों में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। मूवी मज़ा लेने के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ सिखा भी जाती है। और उसी पानी में फिर क्या होता है, एनाकोंडा जैसे विषैले सर्प भी हैं, अजगर भी रहते हैं, और जहाँ दलदली भूमि है जहाँ पे धीरे धीरे पानी सूखेगा तो इसमें अनेक तरह के जीवाणु आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, खतरनाक तरह की मक्खियाँ मच्छरों को जन्म होगा, खतरनाक तरह के कीड़े मकोड़े होंगे। मकड़ियों की सबसे ज़्यादा प्रजाति इन सभी वनों में पाई जाती है। विश्व में किसी भी जीव की जो सबसे ज़्यादा प्रजाति है किसकी है, मकड़ी की। किसकी प्रजाति सबसे ज़्यादा, मकड़ी की। स्पाइडर, इसीलिए स्पाइडर पर इतनी सारी मूवी बनती है, कोई खिलवाड़ थोड़े। जिस तरह से अभी हमने अमेजन नदी बेसिन की कहानी सुना, कुछ इसी तरह से हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन है। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंगा में आप उठा लो यमुना है, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ के मिलती है, यमुना है, सोन है, तमाम सारी नदियाँ मिलती है। ब्रह्मपुत्र में भी बहुत नदियाँ मिलती हैं, लोहित वगैरह हो गया। तो ये भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में कहाँ पर, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इस फिगर के ऊपर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये हमने पढ़ा। तो इसको बोला हमने कि ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ये आप जो मैं यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ, ठीक है,
ये वाला आपका पोर्शन हो गया, देखो यार मिट गया, फिर से कर देता हूँ एक बार। ये आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे आप मान लो फिर से लेके चल रहा हूँ, एक मिनट अलग कलर ले लूँ। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ऊपर नीचे 10 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री उत्तरी है, 10 डिग्री दक्षिणी है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। लेकिन आपका अगर भूमध्य रेखीय प्रदेश कर लिया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर लीजिए, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा उष्णकटिबंध तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उपोष्ण की जब बात करेगा तो 10 से लेकर 30 की बात कर रहा है, 10 से लेकर 10 डिग्री ऊपर उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी तक वापस ऊपर चले जाओ। तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसको बोल रहा है कि उपोष्ण है। क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ऊपर से ऊपर ही जाना है, ठीक है। इसके मध्य जो है ये उपोष्ण वन स्थित है, ठीक है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। यहाँ पर घाघरा नदी हो गया जो सबसे ज़्यादा कटान करती है, सोन नदी हो गया जिसके किनारे पटना है, चंबल नदी हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो लूटपाट वाला स्थान है चंबल, अरे सोले वगैरह देखा हो ना, चंबल घाटी वही है चंबल। बाकी गंडक हो गया, कोसी हो गया, कोसी बिहार का शोक, ठीक है। तो ये तमाम सारी नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियों को ढूंढिए, ठीक है, दिहांग बिहांग लोहित सारी नदियां हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में एवं पर्वत, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद मतलब पैरों के पास, ठीक है, हिमालय का जो निचला हिस्सा है, तथा सुंदरवन डेल्टा, अभी यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिखाऊंगा आपको, तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएँ हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। चाप झीलें क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जब नदियाँ इस तरह से सर्पिलाकार होकर चलती हैं, ठीक है, इस तरह से चलती हैं मोड़ बनाकर, तो कई बार क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा मुड़ जाती हैं कि उनका आकार एकदम सांप की तरह हो जाता है, ऐसे 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 मुड़ जाती है, ठीक है। तो फिर उनका जल क्या होता है, बहुत समय बाद ये कट करके ये सामने सामने चला जाता है और ये एरिया जो है कट के अलग हो जाता है, तो यहाँ पर उनका पानी स्टोर हो जाता है, जिसको चाप झील बोलते हैं, चाप झील, ठीक है। याद रखिए यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, और मानसून जो है वो जून से लेकर के सितंबर तक बीच में वर्षा होता है। अभी तो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, जून में मौसम नहीं बिगड़ बन पाया वर्षा का, तो लेकिन हम मानते वही हैं जून से सितंबर, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन स्थित है। तो एक बार चलिए बात कर लेते हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का। ये आप देख रहे हो भारत का मैप, ठीक है, और इधर से आपका क्या हो रही है, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आ रही है, देखो इधर से बड़ा दूर से निकल के आती है, इधर से जहाँ से आपका, इधर से यहीं से आपका वो निकलती है सिंध नदी निकलती है, ठीक है, मानसरोवर, और यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र आई है ऐसे ढूंढते हुए तिब्बत से होते हुए सीधे ऊपर से फिर नीचे एंटर मारती है, ठीक है, तो याद रखना है। और इधर से आपकी गंगा चल रही है गंगोत्री से, और इधर यमुना उमुना को लेते हुए सबको आगे बढ़ते हुए चली, अरे यहाँ पे नदी बेसिन, तो ये एक बड़ा जाल नदियों का जो देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा होगा अभी हमने पीछे बताया आपको कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक में, 10 से लेकर 30 तक में, तो 32 अगर यहाँ पे, तो 30 में आकर यहाँ मान लो ये कुछ 30 है, तो यहाँ से लेकर के आप नीचे तक आ जाओ ये 10 डिग्री तक, ये 10 डिग्री तक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक में सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है। कर ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर कई नामों से जाना जाता है, तो उसको आप बताइए, तो आप पता करिएगा, ठीक है, बाद में उन सब बातों पर बात करेंगे। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं। अगर हम बेसिन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कई तरह की स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे जनसंख्या का वितरण मतलब कि कहाँ कौन से एरिया में कितनी जनसंख्या रह रही है, और इसके लिए जो सबसे प्रमुख फैक्टर है वो क्या है, पर्यावरण, जलवायु, मौसम, उसको देख कर के वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। भाई मुंबई में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका वजह है शहरीकरण, आधुनिकीकरण, ये उसका वजह है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल जगह होते हैं, जहाँ पर्वतों की ढाल एकदम ऐसे है, खड़ी ढाल है, यहाँ कौन जाएगा घर बनाने, यार चले जाओ, बहुत सारे पर्वत खाली तो हैं, चले जाओ घर बना लो, देखो फिर कैसे अपना सब्जी तेल मसाला पूरा करते हो, तो नहीं है। तो जो तीव्र ढाल वाले पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर घर बसाने के लिए प्रतिकूल जगह है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इनका जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त जगह है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैदान बड़ा है, मैदानी क्षेत्र है।
यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि भी उपलब्ध है वहाँ लोग प्रमुख रूप से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर धानों की सीजन ज़्यादा है, धान मुख्य फसल के रूप में है। जहाँ बारिश मध्यम रूप से होती है वहाँ पर गेहूँ है। हम उत्तर प्रदेश बिहार की बात करेंगे तो हमारे यहाँ गेहूँ है, ठीक है। अगर वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, उड़ीसा चले जाएं, पश्चिम बंगाल चले जाएं, तो वहाँ पे वर्षा जो है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे की जगह है, वर्षा ठीक ठाक होता है। तो वहाँ की प्रमुख धान्य फसल क्या है? धान है। चूँकि वहाँ पे धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता है और उस क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं, अगर उत्तर भारत की बात करें तो गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, चना हो गया, बाजरा हो गया, यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा गन्ना, जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। नासिक वगैरह साइड चले जाएंगे तो आप बागान देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, थोड़ा कम ढाल वाले, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चाय के बागान मिल जाते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। बिहार और असम में सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर के वेदिकाओं पर फसलें उगाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मेड़ियाँ बनाकर पानी को रोका जाता है और उस पर जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो व्यक्ति जो है हर संभव प्रयास कर रहा है कि हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकें। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस जैसे घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में चले जाएंगे तो मैग्रोव वन मिलेगा, जहाँ पे डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे क्या है, मैग्रोव वन है। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग हैं। तो यहाँ पर पेड़ अलग हो जाते हैं, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, शंकुधारी वृक्ष हो गया, जितनी ऊँचाई पर जाओगे शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें। तो जगह का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जलवायु का इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखकर ही जो है दोस्तों वनस्पति और ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। वेदिका, अभी हमने पीछे पढ़ा वेदिका, वेदिका क्या होता है? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतल बनाकर जो है कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके। देखो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ये ढलान धीरे धीरे, ये सारी ढेर सारी मेड़ ऐसी ऐसी बनी होती है ताकि पानी हर जगह रुके, इतना ज़्यादा पानी स्टोर हो, यहाँ भी लड़के पानी रुक जाए, लड़के पानी रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वेदिका कृषि है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, होती है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, चाहे जो भी बेसिन बात कर लो, आप अमेजन बेसिन की बात कर लो, आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर लो, विश्व में जितनी भी नदी बेसिन हैं इसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव। इसके अलावा एक सिंह वाला गैंडा भी मिलेगा जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको भर के रखा गया। कहाँ पर? असम में काजीरंगा पार्क है। कौन से पार्क में? काजीरंगा मानस, वहाँ पर क्या है, एक सिंह जो है गैंडा है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर हो गया, बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्र में, अभी बंगाल टाइगर फेमस है। मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब पाए जाते हैं। नदी का अगर साफ जल है, झील है, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिलसा, इस तरह की तमाम सारी मछलियों की प्रजाति बड़ी फेमस है। और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, मत्स्य पालन ज़्यादा होता है या मछली ज़्यादा मारा जाता है, मछली मार कर उनका व्यापार भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मच्छी, चावल ये बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है और वही लोगों का मुख्य आहार भी बन जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं है मछली चावल, पश्चिम बंगाल के लोग मच्छी चावल क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी अधिकता है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता है वहाँ उस अनुरूप जो है लोग अपने आप को ढाल चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देखिए, जब चीज़ों को आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, जोड़कर पढ़ना सीखिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है दोस्तों एक वर्ग किलोमीटर, मतलब एक ऐसे 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 ऐसे, ये एक वर्ग किलोमीटर हो गया। एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और वहीं बिहार का कितना है, 1102। तो किस वजह से? जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है,
और जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि समतल भूमि होने की वजह से लोगों को घर बनाने में आराम है, यातायात में आराम है, रहने में आराम है, ठीक है, अपना कृषि कार्य हो गया, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, सब कुछ करने में आराम है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसी वजह से कम लोग रहते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखो। और आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ दे रहा है। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। सुसु, इसको अंधी डॉल्फिन भी बोला जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। देखो दोस्तों, जहाँ पे शुद्ध जल होगा वहीं पे सुसु पाई जाएगी। और आज क्या हो रहा है, आज हो ये रहा है कि नदियों में क्या है, जो अनेक अगल बगल बसे शहर हैं, नगर हैं, वो अपना कूड़ा कचरा सब इसी में डाले पड़े हैं। नदियों का जल गंदा हो रहा है, तो ये सुसु कहाँ रह जाएंगी, नहीं है। तो जहाँ पे शुद्ध जल है वहाँ पे सुसु हैं, और जहाँ पे रसायन की अधिकता है, ठीक है, गैर उपचारित औद्योगिक शहर की गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये देखिए आप फिगर देख रहे हैं, ये डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, गंगा में ज़्यादा पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। अब एक झील की के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको। देखिए एक केस अध्ययन, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंदर, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वैलिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सब मछली का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि जो है वो भी उपजाऊ है, वह इस पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में मछली पकड़ने, एक सेकेंड कहाँ चला गया यार, पता नहीं क्यों हो जा रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है ना, परेशान कर रहा है। नदी में मछली पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वह पास के शहरों में ले जाता है, वहाँ बेच देता है। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहर हैं ये नदियों को, झीलों को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे हम गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों की बात कर लें, तो अगर मैदानों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे शहर बसे हैं, जैसे गंगा किनारे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, अब लखनऊ नहीं है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ लेके चलो, कोलकाता हो गया। तो हम देखो नदी बेसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और गंगा की बात करेंगे तो गंगा के साथ उनकी सहायक नदियों को आप मान के चलना। तो ये सब जो शहर है, यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों में यहाँ की स्थिति, दोस्तों अभी आधा लोग का दिमाग लखनऊ पे लगा, भैया वो गोमती नदी किनारे, खुश मत वहाँ दिमाग लगाओ यार। अब कहोगे एनसीईआरटी में गलत दिया है, यार एनसीईआरटी में गंगा मतलब वो समझ रहा है कि गंगा माने मान रहे हो आप कि गंगा की सहायक नदियों की बात करो, ठीक है। चलो इधर देखो, इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का जो गंदा पानी है वो बहकर कहाँ जाता है, वो नदी में आता है, जिससे पूरी की पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित किए गए हैं। मैदानी इलाके के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है, हमारे यहाँ तो नहीं है। कोलकाता से हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, भाई जहाँ पे बेसिन है वहाँ पर अच्छा पर्यटन भी है। गंगा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा जमुना की नदी का संगम, इलाहाबाद का किला, उत्तर प्रदेश एवं बौद्ध में बिहार में क्या है, बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयवन, ठीक है, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ, संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटन को मोहित करता है, अपने तरफ बुलाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी ये जो प्रदूषण की बात हो रही है, नदियों से संबंधित जो प्रदूषण की बात हो रही है, अभी हाल ही में बहुत दिन से आप सुन रहे हैं कि भाई गंगा साफ करना है, ठीक है, गंगा साफ करना है, गंगा सफाई करना है, तमाम बोर्ड बन गए हैं, ठीक है। एक हमारे यहाँ बना है दोस्तों ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो गंगा सफाई पर बार बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब
सुप्रीम कोर्ट, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, ये भी बार बार निगरानी करते रहते हैं। हमारी केंद्र सरकार तो पूछो मत, हमारी केंद्र सरकार तो गंगा मैया के लिए जी रही है, गंगा मैया के लिए तो पूरी की पूरी सरकार बनी है। इतने दिन से ये लोग गंगा साफ कर रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों मैं बताऊं, किसी को गंगा साफ करना ही नहीं, एक लाइन की साफ सुधा आपको बात बता दूं, किसी को गंगा साफ करना ही नहीं है। पता यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग नेता बन जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं, एनजीटी में बैठ जाते हैं, उनके हेड बन जाते हैं। समझ में नहीं आता है इनके जो पीए हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, या हमारे यहाँ से जो आईएएस पीसीएस जा रहे हैं यार इतना अच्छा पढ़ के क्वालिफाई करके जा रहे हैं, आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं वो लोग? कहीं का डीएम बन गए तो बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका फोकस ही नहीं है कि अपने पर्यावरण पर भी ध्यान दें। थोड़ा सा बाहरी मैटर है लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत आपको आपको कई लोगों को मेरी बातें पर लगता होगा मैं बहुत निगेटिव इंसान, निगेटिव नहीं हूँ यार। अगर मैं भी सोचता कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँ, मैं आपको अकेले हिस्ट्री पढ़ाऊँ कि ज्योग्राफी पढ़ाऊँ कि पॉलिटी पढ़ाऊँ कि साइंस पढ़ाऊँ कि हिंदी पढ़ाऊँ, लेकिन कर रहा हूँ मेहनत ना, भाग नहीं रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ ना, अकेले अपने दम पे कर रहा हूँ ना, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना कुछ आपको दे दूँ, कितने आसान लैंग्वेज में आपके सामने बातें रख दूँ कि आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए, मेहनत कर रहा हूँ ना। लेकिन सरकार, सरकार तो गंगा साफ नहीं करना चाहती। गंगा साफ करने के लिए चुटकी चुटकी, देखो चुटकी बजा रहा हूँ, गंगा सफाई चुटकी में होती है, बता रहा हूँ कैसे होती है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कितनी लंबाई है आप देख लेना, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा आप पकड़ोगे तो आप, चलो एग्जैक्ट ही ले लेते हैं यार, 2525 किलोमीटर। पूरे गंगा की लंबाई जहाँ से गंगा निकली है वहाँ से लेकर के जब तक ये बंगाल की खाड़ी में गिन नहीं जाती तब तक किसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। हमारे देश में बेरोजगारी है, मान रहे हो आप बेरोजगारी है? कितना काम एक साथ बना रहा हूँ अभी देखना, हमारे देश में बेरोजगारी है? आप कह रहे हो हाँ, ठीक है चलो एक ऑप्शन ये रखते हैं। एक बताओ दोस्तों कि हमारे देश में गंगा की सफाई के लिए कितने बार न जाने कितने हज़ार, कभी आप पढ़ते हो 20,000 करोड़ आया, कभी पढ़ते हो 25,000 करोड़ आया, हाँ पढ़ते हो ना, कभी पढ़ते हो 40,000 करोड़ आया गंगा के लिए, एक मुश्त राशि दी गई, कभी जीवन में गंगा साफ हुई आज तक? साफ हुई नहीं हुई ना। हम कहते हैं दोस्तों आपको जितनी गंगा की लंबाई है उतने ठेकेदार पकड़ लो, उतने कंपनियों को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, कितने लोगों को? 2525 लोगों को आप पकड़ लो, सबको एक एक करोड़ रुपए दे दो। कितना दे दो? एक एक करोड़ रुपए, 2525 करोड़ रुपए क्या आ जाएंगे? सबको एक एक करोड़ बांट दो, क्या समझ रहे हो? कोई दिक्कत आपको? तो 2500 करोड़ हो जाएंगे सीधा फीधा, एक राउंड फिगर डेटा मैं पकड़ूँ कि 2500 किलोमीटर है तो 2500 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो 2500 करोड़ में सबको एक एक करोड़ का ठेका दे दो कि सबको एक किलोमीटर का सफाई करना है। कितना सफाई करना है? एक किलोमीटर का। एक किलोमीटर में कितना होता है दोस्तों? एक किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी अगर मैं 1000 मीटर के लिए किसी को 1 करोड़ रुपए दिया हूँ तो हम मान सकते हैं क्या कि हर 100 मीटर के लिए उसके पास 10 लाख रुपया है? हर 100 मीटर के लिए कितना रुपया है? 10 लाख रुपया है। दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचो कि कोई भी आदमी क्या 100 मीटर 10 लाख रुपए में नहीं बना सकता? 100 मीटर गंगा की सफाई क्या 10 लाख रुपए में भी नहीं हो सकता? इतने सारे बेरोजगार हैं, सबको लगा दो रोजगार पे ना, गंगा को साफ करो, साथ ही साथ उनको काम दो कि गंगा के आसपास में क्या करेंगे, कोई ऐसी व्यवस्था करें कि आगे से वहाँ पे गंदगी ना हो, ठीक है? वहाँ पे बाउंड्री लाइन करें, वहाँ पे क्या करें, बाउंड्री लाइन तैयार करें जैसे अन्य देशों में है। एक बार में गंगा 2500 किलोमीटर जो है गंगा वो साफ हो जाएगी। मैं तो छोटा सा प्लान दे रहा हूँ यार, ये कोई प्लान नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। तो सही बात तो है कि यार कोई गंगा साफ करना नहीं चाहता, साफ कैसे होगा? तो दोस्तों पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ये बहुत गलत चीज़ है। हम ना तो पहाड़ों को छोड़ रहे हैं, ना तो धरती माँ को छोड़ रहे हैं, ना तो नदियों को छोड़ रहे हैं, ना तो पेड़ पौधों को छोड़ रहे हैं, ना तो वनों को छोड़ रहे हैं, ना तो जीव जंतुओं को छोड़ रहे हैं। तो आखिर सोचो कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये प्रकृति हमारे साथ ही बहुत बुरा खिलवाड़ करने वाली है। तो दोस्तों आज भी वक्त है, संभल जाइए, कम से कम आप तो संभल जाइए, क्योंकि अगर आप संभल गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने आप को संभाल लेगी। और आगे जो लोग आ रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और पढ़ लिख कर लोगों को कहें भाई पढ़ाया लिखाया क्यों जाता है, इसी वजह से तो पढ़ाया लिखाया जाता है। तो सरकार को फोकस करना चाहिए इन सारे चीज़ों पर, ठीक है?
पता नहीं यार, रोज़ पूरा का पूरा साल बीत जाता है यार, 365 दिन में क्या पढ़ाए, मतलब क्या किए, काम नहीं बता पा रहा है कोई, अपनी देश नहीं चल पा रहा है, ये हालत है। तो ज़रूरी है यार आगे ले जाना, ठीक है। हम लोग सोचो कि एक दिन में कितना कुछ पढ़ लेते हैं, और चलाने वाले पूरा देश नहीं चला पाते। चलो छोड़ो, खैर आगे देखो। यहाँ पर देखिए, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, जहाँ पर अमेजन बेसिन स्थित है, तो उसका नाम है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, मैंने बताया था आपको, मक्का वगैरह हो गया, ठीक है। अमेजन बेसिन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, दोस्तों ये सारा का सारा आप याद कर लो, ठीक है। और अभी मैंने टोकन पक्षी के बारे में बताया, जिसकी लंबी लंबी चोंच होती है, ठीक है, तो वो सारा याद कर लो। एक सींग वाले गैंडे असम के आसपास में पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पे कौन से शहर हैं पता होगा आपको, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से लेकर आप इलाहाबाद कानपुर होते हुए पटना सटना सब गिना देना। टोकन पक्षी अभी यही पाया जाता है, अभी देखो फिर यहाँ से आएगा टोकन पक्षी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, पक्षी है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है, मैनियोक जो है अमेजन नदी के यहाँ के जो लोग रहते हैं मैनियोक वहाँ का भोजन है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप याद रखना। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली, ठीक है, हुगली याद रखिएगा। देवदार फर ये सब पढ़ा चुका आपको, बंगाल टाइगर। हाँ ये देखिए, जहाँ पे मिलान करना आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो मिलान करिए। देखिए काजीरंगा जो है ये वन जीव अभयारण्य है, ये असम में है। बाकी रेशम कीट, ठीक है, तो ये आपका बिहार में फेमस है और बंगाल असम में, ठीक है, रेशम कीट। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, वेदिका कृषि, अच्छा पिरान्या, तो ये तो मछली है, मत्स्य पिरान्या, ठीक है। और हो गया मलोका, एक सेकेंड, सूती कपड़े, अच्छा रेशम कीट पालन आपका क्या हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वाराणसी सूती कपड़े, गंगा के मैदान में वाराणसी कर सकते, नहीं यार वाराणसी तो यहाँ दिया ना, गंगा का मैदान, मलोका और सूती कपड़े, ये दो और सेट करना आपको, ठीक है। तो इसको आप सेट करिएगा, ओके। मलोका अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, मलोका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा मलोका, तो मलोका जो है वो क्या है आपका, ढालू छत हो गया, मलोका ढालू छत, और सूती कपड़े जो हो गया ये आपका वाराणसी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप चीज़ों को देखिए, जब मिला के आप पढ़ोगे ना तो आप जो है अच्छे से कर पाओगे। बाकी आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको बता दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि चैप्टर का जो टॉपिक है, बेसिकली वो टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा, और ज़रूरी भी है टॉपिक को समझना। अभी हम लोग 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब अगले चैप्टर 9वें में कवर करेंगे और देखेंगे कि आगे हमको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अभी तो यार क्लास 7th चल रहा है, और क्लास 8th में जब पहुँचेंगे तो सोचो वहाँ पर हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा क्लास 6th कवर करने के बाद 7th की NCERT में जब इतनी सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है, तो फिर 8th में अभी क्या क्या पढ़ना बाकी, 8th 9th 10th 11th 12th सब बचा तो है अभी आपके सामने, तो बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आपके सामने आए तो उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। खबरदार अगर आपने स्किप किया तो सॉरी यार, ऐसी बात नहीं, प्लीज़ आप लोग बातों को समझा करिए। वीडियो को जो भी ऐड आता है उसी से मेरा थोड़ा बहुत खर्च चलता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए कोशिश किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे ऐड आए जो उसको देखने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।